नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है सेप्टिक टैंक से रिलेटेड। जैसे अगर कहीं पे मान लो 5 लोग रहते हो, 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग रह रहे हैं, या कोई जगह ऐसा है जहां पे 50 लोग रह रहे हो, तो इतने लोगों के लिए हमारे को जो सेप्टिक टैंक है वे किस साइज का बनाना पड़ेगा, जैसे उसकी लंबाई क्या रहेगा, उसकी चौड़ाई क्या रहेगा, उसका जो गहराई है वे कितना हमारे को देना पड़ेगा, जिससे कि जल्दी ना भरे। तो ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम बारीकी से देखने वाले हैं। दोस्तों, जो भी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वे 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी 2 साल तक बड़े आराम से, चाहे जितने लोगों के लिए भी मैं आपको बताऊं वे 2 साल तक चल जाएगा। 2 साल के बाद उसको खाली करना पड़ेगा। वैसे 2 साल से ज्यादा चलेगा, लेकिन सेफ साइज रखने के लिए मैं 2 साल बता रहा हूं। 2 साल के बाद जैसे वे खाली करेंगे, फिर आगे 2 साल चल जाएगा। वैसे दोस्तों, शहरी इलाका में अधिकतर जगह पे सीवर लाइन डल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से जगह ऐसा है जहां पे अभी सीवर लाइन नहीं डला है, जहां पे हमारे को सेप्टिक टैंक बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई वर्क करवाना है तो आज की वीडियो से आप आइडिया ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, घर निर्माण से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। तो ऐसे जानकारी लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए, हम आज के जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। कितने लोगों के लिए, कितने साइज का हमारे को सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा। 5 लोगों के लिए बात करें दोस्तों, तो 5 लोगों के लिए जो सेप्टिक टैंक बनेगा उसकी लंबाई रहेगा 1.5 मीटर का, उसका चौड़ाई रहेगा 0.75 मीटर का और उसकी गहराई रहेगा 1 मीटर का। ये 5 लोगों के लिए जो सेफ्टी टैंक बनेगा उसकी डायमेंशन है। 10 लोगों के लिए बात करें तो 10 लोगों के लिए जो सेफ्टी टैंक बनेगा उसमें 2 मीटर का उसकी लंबाई रहेगा, 0.9 मीटर का उसका जो चौड़ाई है वे रहेगा, और गहराई की बात करें तो इसमें भी 1 मीटर का गहराई रहेगा। ये 10 लोगों के लिए हो गया। अगर हम 15 लोगों की बात करें तो 15 लोगों के लिए जो सेप्टिक टैंक बनेगा उसका जो लंबाई रहेगा वे 2 मीटर का रहेगा, इसका जो चौड़ाई रहेगा ये भी 0.9 मीटर का रहेगा, और इसका जो गहराई रहेगा, जो हाइट रहेगा, वे रहेगा 1.3 मीटर का। तो ये 15 लोगों के लिए दोस्तों पर्याप्त है। अगर 20 लोगों के लिए बात करें तो 20 लोगों के लिए जो सेप्टिक टैंक बनेगा उसका साइज रहेगा, उसकी जो लंबाई है वे रहेगा 2.3 मीटर का, उसका जो चौड़ाई रहेगा वे रहेगा 1.1 मीटर का, और उसकी जो हाइट है, जो गहराई रहेगा वे रहेगा 1.3 मीटर का। तो ये दोस्तों 20 लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। अगर हम बात करें कहीं पे 50 लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और ऐसे जगह पे हमारे को सेफ्टी टैंक बनाना है, तो 50 लोगों के लिए जो सेफ्टी टैंक का साइज रहेगा वे रहेगा, उसकी लंबाई रहेगा 4 मीटर का, उसका चौड़ाई रहेगा 1.4 मीटर का, और उसका जो हाइट है, जो गहराई है, वे रहेगा 1.3 मीटर का। तो दोस्तों, ये जो भी डायमेंशन, जो भी डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ, ये सभी चीजें 2 साल तक वैलिड रहेगा। 2 साल के बाद ये भर जाएगा, जिसके उसके बाद हमारे को इसे खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।